स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से एमबी काइनेटिक्स पे स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में अपना पार्ट वन में पढ़ा था एमबी मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट वन, जो कि क्लास नाइन का चैप्टर है। आज पार्ट टू शुरू करने से पहले अपन उसका एक शॉर्ट ब्रीफिंग ले लेते हैं, रिकैप करते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर क्या होता है? मैटर इज अ सब्सटेंस और मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग मास। ये अपन ने जाना था कि मैटर क्या होता है। मैटर के चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मैटर आर वेरी टाइनी इन शेप। ये पढ़ा था। इसके बाद अपन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जैसे जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन करके पांच स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। और उनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन उसमें डिफरेंस भी देखा था। इसके साथ ही आज का लेक्चर शुरू करते हैं, पार्ट टू जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का है। ठीक है, सबसे पहला आता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में काफी चेंजेस आते हैं, बट दो तरीके हैं जिससे मैटर के अंदर चेंज हो सकता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट ऑफ मैटर में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो जान लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अ पॉइंट जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन के, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कंडीशन where liquid get starts changes into gas, उसको कहते हैं boiling point। इसके बाद हम बात करते हैं third condensation, जो कि है liquidification। इसको अपन liquidification, ये सारा part है आपका changing effect of change of temperature के बारे में। The process through which the physical state of matter changes from that the gaseous phase into liquid phase by cooling at constant pressure। आप इसे एक बार सुनते हैं। The process through which physical change, मतलब इसमें physical change हो रहा है, क्या हो रहा है? The state of matter changes from gaseous phase into liquid phase, मतलब gas phase से liquid phase में change होने के process को कहते हैं condensation, जो कि liquidification है, किसका? Gas का। Freezing point, the process due to which a liquid changes into solid state at some fixed temperature, certain temperature पे liquid solid में change हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाटर को फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रखा तो वह आइस में कन्वर्ट हो गया। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये चीज हो रही है, तो ये चीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसी तरीके से नेक्स्ट, सब्लिमेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके इसमें बुक में, इसके साथ एक डायग्राम के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, घर पे भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। कैसे? द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इन टू गैस डायरेक्टली बाय हीटिंग एंड गैस इन टू सॉलिड बाय कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब अगर मैं गैस और किसी भी सॉलिड को हीट करूं और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्टली गैस में चला जाएगा, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और इसमें उल्टा भी हो सकता है, डायरेक्टली गैस से कूलिंग करने के वक्त चेंज हो जाए सॉलिड में, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये एक इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे आपके घर में कपूर होता है ना, कपूर जो आप पूजा करते हैं, या फिर नेप्थलिन बॉल जो आपके कबर्ड वगैरह में रखे जाते हैं जिससे स्मेल वगैरह ना आए कबर्ड के अंदर क्लोथ्स के साथ में, या जब आप पूजा करते हैं कपूर को जलाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली जैसे उसको बर्न करो वो गैस में चला जाएगा। इसी साथ में आपके बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाई नेप्थलिन बॉल डिसअपीयर्स व्हेन केप्ट इन अ कबर्ड। तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रूम के अंदर गैसेस के साथ में, उस धीरे 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 गैस में कन्वर्ट होके एयर में रिलीज हो जाता है। अब एयर में कैसे रिलीज हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा? उसका हल्का हल्का स्मेल भी तो आता है। वो क्या होता है कि उस वक्त वो मेल्ट हो रहा होता है और एयर डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर। एक एग्जांपल की ये कैंपर का एग्जांपल है, इसको रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। देन कैंपर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश एक लेबोरेटरी के अंदर, आपके घर पे चीनी का कप होता है ना, उस टाइप में चाइना डिश होती है व्हाइट कलर का, कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनल, फनल उसके ऊपर उल्टा लगाना है, विद अ कॉटन प्लग इन इट अपर ओपन एंड, द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड
ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। अब क्या होगा कि मैंने धीरे धीरे उसको हीट करना शुरू, आपने एक डायग्राम देखो, यहाँ एक बर्नर लगा है, बर्नर के साथ में एक चाइना डिश दे रखा है, चाइना डिश के साथ में एक मैंने फनल लगा दिया है, कॉटन प्लग यहाँ ऊपर लगा रखा है और अंदर मैंने लिक्विड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड को डाल रखा है। जैसे जैसे मैं उसको हीट करूंगा तो अमोनियम क्लोराइड हीट होकर फनल के कॉर्नर्स के ऊपर स्टिक हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम एक इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एक आपके सेम ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो सबसे पहले लिक्विड, सॉलिड से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड फर्स्ट गेट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब हीट होके वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मेल्ट। सॉलिड मैंने आइस लिया, आइस एक मान लो, यहाँ पे मैंने आइस को एग्जांपल लिया। अब आइस को मैंने जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगा, फ्यूज होना, फ्यूजन शुरू होगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद लिक्विड में जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, वो वेपराइजेशन हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा एक और प्रोसेस होता है जो कि गैस से शुरू होगा, गैस से लिक्विड जाता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल आपके वाटर साइकिल में भी होता है ना, गैस इवेपोरेशन होकर गैस फॉर्म में आया, गैस फॉर्म ऊपर कंडेंसेशन फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में बना, और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस वाटर फॉर्म में नीचे आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन, वही मैंने वाटर को फ्रीजर में रखा और आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो सॉलिडिफिकेशन। इसके बाद सब्लिमेशन, जो जस्ट अभी इससे पहले अपन ये डायग्राम के अंदर समझा था कि अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो ऊपर फनल के जो कॉर्नर से वहां पे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड आके इकट्ठा हो जाता है। कैसे, द वेफर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। इसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ तक तो टेम्परेचर के बारे में बात हो गया कि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होते जाएंगे। अब भले वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, दोनों कंडीशंस में इसका टेम्परेचर में चेंज आना 100% श्योर है। तो ये मैंने बात किया भाई कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होगा। यस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा स्टेट ऑफ मैटर आगे आगे चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूँ तो आइस मेल्ट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आगे जाके गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ना शुरू होता है, मतलब ओवरकम स्पेस ओवरकम होना शुरू होता है, मतलब जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज होगा तो उतना स्टेट भी चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आइस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, एकदम आपस में पैक्ड, तो क्लोजली पैक्ड आइस का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उनके बीच का स्पेस भी बढ़ेगा, स्पेस अगर बढ़ेगा तो स्टेट ऑफ मैटर में भी क्या चेंज आता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड है, लिक्विड को मैंने बॉयल करना शुरू किया, जैसे जैसे हाई हीट प्रोवाइड करूंगा पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनके बीच में स्पेस भी बढ़ेगा, स्पेस इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, साथ साथ में उसका स्टेट ऑफ मैटर भी क्या होता जाएगा चेंज। अगर मैं टेम्परेचर व्हाट हैपन व्हेन कूलिंग, कूलिंग के अंदर बात करूं तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर देना, व्हाट हैपन इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट हैपन इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या चेंज होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या चेंज होगा। अब आता है ऑन कूलिंग, व्हाट हैपन व्हेन आई डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या चेंज आएगा। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा तो आप मुझे इसको कमेंट में आंसर देंगे, सभी जने जो जो देख रहे हैं वो सब इसको कमेंट में अपना आंसर मुझे देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम एंड वेन वी ऑल्सो लोअर इज टेम्परेचर इट गेट्स लिक्विफाइड। सिंपल फंडा है, अगर मैं गैस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता हूँ और टेम्परेचर कम करता हूँ तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, यस मैंने टेम्परेचर अप्लाई कर रहा हूँ और प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो गैस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब एक यहाँ पे पिस्टन के साथ में एक डायग्राम दे रखा है, आप लोग देख रहे हैं ये पिस्टन है और एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। जैसे जैसे पिस्टन से प्रेशर अप्लाई हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे स्पेस डिक्रीज हो रहा है पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं,
और इसी दौरान अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर देता हूँ, लो कर देता हूँ, तो यही जो पार्टिकल ऑफ गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका ड्राई आइस होता है, काफी जगह देखे ना पूरा स्मोकी स्मोकी फॉर्म में ड्राई आइस होता है, इस चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 atmospheric प्रेशर, ये अपना आप ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इसके ऊपर डाला जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लेटेंट हीट। अब देखो भाई, लेटेंट हीट का मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है, शॉर्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हो, इजी एक्सप्लेनेशन, बहुत शॉर्ट और इजी वे में उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल पे जाके सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, चैनल को लाइक भी करना और कमेंट शेयर सब करना है, तो आप चैनल पे जाना, शॉर्ट वीडियो में लेटेंट हीट के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी हमने डाल रखा है। तो सबसे पहले लेटेंट हीट, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, द लेटेंट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल, क्या होता है लेटेंट हीट, द हीट एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैं जैसे 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 स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा उस वक्त आइस सॉरी जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस टाइप की हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहले द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बीकर में आइस लिया, उसको कंटिन्यूसली हीट करना शुरू किया, क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ आइस उसको हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये पानी के साथ भी हो सकता है, द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड कन्वर्ट टू गैस। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने आइस डाल रखा है, आइस को मैंने क्या किया और इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया। अब थर्मामीटर क्या काम करे, टेम्परेचर के बारे में आप उनको रीडिंग देता जाएगा। अब सबसे पहले मैंने इसको बर्नर स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगा धीरे धीरे इसको टेम्परेचर प्रोवाइड होगा, टेम्परेचर प्रोवाइड होगा और ये थर्मामीटर पे जैसे 0°C आ जाएगा वहां पे वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तब तक जब तक एक टुकड़ा भी आइस का वहां पे ना बचे, पूरा मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद वो अपना टेम्परेचर वापस से इंक्रीज कर गया। अब आप कहोगे सर जब तक वो मेल्ट नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर जीरो, तो बाकी हीट कहाँ जा रहा है, तो हीट क्या कर रहा है, आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। क्या कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 gram ऑफ सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, मतलब आइस क्यूब्स ने सारा हीट एब्जॉर्ब किया और उसने अपना स्टेट चेंज किया एट मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एक बात आती है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना। उसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 gram ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं, मैंने वापस एक डायग्राम दे रखा है स्क्रीन पे, बीकर में मैंने वाटर डाल रखा है, सेम थर्मामीटर बर्नर सब दिया, अब मैं जैसे ही वाटर को हीट प्रोवाइड करूंगा टेम्परेचर तो चेंज होगा, जैसे रूम टेम्परेचर पर वाटर है मान लो 27-30°C का वाटर है, जैसे जैसे इसको हीट प्रोवाइड 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा और वाटर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। तो ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द 1 gram ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैस। अब जैसा आइस ने एब्जॉर्ब किया था वैसा यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स सारा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको किस स्टेट ऑफ मैटर, जैसे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करेंगे गैसियस स्टेट में, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना एक अलग ही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ही समझ लो आप, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अभी इवेपोराइजेशन कब होता है, जब 100°C के बाद इवेपोराइजेशन स्टार्ट होता है, बट इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100°C उसके नीचे होता है और कोई भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन अकर हो सकता है। द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स, सो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम द पार्टिकल्स
एंड एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अभी कंटेनर में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बकेट रखा धूप के अंदर, उसमें पानी डाल दिया, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो कंटिन्यूसली बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा टेम्परेचर है, ऊपर के पार्टिकल्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बारिश वगैरह में देखा है, छत पे पानी गिरता है या सड़क पे पानी गिरता है, जितना कितना जल्दी वो सूख जाता है, क्यों, सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स है तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग से पहले आपने इवेपोरेशन में काफी चीजें देखी होगी कि इवेपोरेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने घर के बाहर प्लांटेशन किया, उसमें पॉट में पानी डाला, थोड़ी देर आपको वहां पानी दिखता है, अब आपने आज पानी डाला, शाम तक ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ड्राई होना शुरू हो जाता है, कुछ तो एब्जॉर्ब किया, कुछ क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो सरफेस पे जितना भी वाटर प्रेजेंट है अंदर की सारी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर रिलीज कर देता है, जिससे प्लांट को वाटर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा देर तक रहे, तो मैंने सारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया और बाहर एयर में रिलीज कर दिया, इवेपोरेशन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ उसको रिलीज कर दिया। फैक्टर अफेक्टिंग, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। ऑब्वियसली अब एक ग्लास के अंदर पानी मैंने बाहर रखा और एक लंबी प्लेट के अंदर पानी रखा, तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन किसमें ज्यादा होगा, प्लेट के अंदर, तो उसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। इसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हेंस रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स भी तेज तेज मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी तेज 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 हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी तेज होने के कारण इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाती है, हाई, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लो, इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन। अब भाई सीधा सा फंडा है, पहले से अगर एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर, तो पहले से ही एयर के अंदर जगह फुल है तो इवेपोरेशन ऑब्वियसली कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 ड्रॉपलेट्स इवेपोरेशन बकेट में से ले रहा है और ऑलरेडी 90 ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट है, तो इवेपोरेट तो 10 ड्रॉपलेट्स ही हुए। अब वो जब वापस वहां पे जगह खाली होगा तब नेक्स्ट इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होगा। इट मींस अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज है तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज। विंड लास्ट फैक्टर है, विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। यस, मैंने बकेट से पानी लिया, एब्जॉर्ब हुआ, एयर सरफेस में आ गया, अब हवा ने क्या किया, उसको आगे मूव कर दिया, तो ऑब्वियसली पीछे जगह खाली हुआ, वापस क्या होगा, ज्यादा ही चलेगा तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे और स्पीड ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, कैसे, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स it takes latent heat of vaporization from surrounding which on losing heat gets cool. For example, when we put an acetone on our hand, it gets vaporized by latent heat from our hand and our hand is cool. Simple है, पानी के साथ ले लो, आप घर पे हाथ पे पानी डालना और धीरे धीरे आपको थोड़ी देर में पानी वाला जो सरफेस होगा हाथ पे वो ठंडा नजर आएगा। तो क्या कर रहा है, latent heat of vaporization process से जहां जहां पानी है वो सराउंडिंग से सारा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। अब मैंने सारा हीट ले ही लिया है वहां से तो पीछे क्या बचेगा, ठंडा ही बचेगा, पूरा आपको कोल्ड ही फील होगा, मैंने हीट ही सारी ले ली तो पीछे ठंडा ठंडा ही फील होगा आपको। तो ये है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। अब आपके घर पे पानी का मटका है, उसको पानी डालते हो नॉर्मली, उसके अंदर सेंट के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बाहर से पानी निकलता है, इवेपोरेशन होता है, तो पानी के अंदर सराउंडिंग के अंदर जितना भी हीट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करके रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियसली पीछे जो पानी बचा हो क्या होगा, ठंडा। ऐसे यहाँ पर डेजर्ट कूलर में होता है कंटिन्यूअसली उसके पीछे पानी चलता है, वो इवेपोरेशन होता है तो कम्प्लीटली एंड सराउंडिंग्स में जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके रिलीज कर देगा इवेपोरेशन फॉर्म में, और अंदर के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो, और जो फैन लगा है वो लो टेम्परेचर की हवा आपको रूम के अंदर रिलीज करता है। कूलर डेजर्ट कूलर के अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, आपके घर के अर्थन पॉट जो मटका होता है मिट्टी का उसके अंदर भी इवेपोरेशन कॉज होता है। तो इसको पढ़ने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। इसमें क्या होता है, द
The water droplets present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and get converted to liquid state, which we see as water droplets. अब water glass, जब आप glass में ice water डालते हो तो glass के चारों तरफ water droplets आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि glass से बाहर सारे water droplets निकलने, नहीं ये तो कोई condition नहीं है। तो क्या होता है कि सराउंडिंग में जितनी भी गैस प्रेजेंट होती है वो जैसे उसके ऊपर जाके वाटर ड्रॉप ग्लास के ऊपर स्टिक होगी, उनका टेम्परेचर लो होगा और वो अपना स्टेट चेंज कर देगी, गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड, जो कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहां पे दिखता है। आई होप आपको सेकेंड पार्ट में चैप्टर क्लियर हुआ होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट में वीडियो फिर से एक आएगा, क्योंकि हम वन शॉट सीरीज चलाएंगे, एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा तो रिविजन सीरीज में एक बार वन शॉट सीरीज भी आपके इस चैनल पर चलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको भी नॉलेज होगा और पास्ट रिव्यू भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पूरा दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखना है। इस पार्ट के अंदर जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछा आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम फिर से उस टॉपिक को शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करें उसमें कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, एक बार फिर से उस वीडियो को रिवाइज किया जाएगा एज अ शॉर्ट वीडियो और पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल वीडियो भी डालेंगे। तो आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, अब सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक करिए और शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।